जनपद बरेली में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व योग दिवस के अवसर पर IMA और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित योग शिविर में प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी सहित बरेली के कई जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी व चिकित्सकों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग से लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो शहीद सुल्तान एवं संवाददाता माही ने। नमस्कार, मैं माही, आप देख रहे हैं INA न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के त्रिवटीनाथ मंदिर में। जैसा कि आप सभी को आज पता है कि आज 21 जून है और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, तो आइए मैडम से थोड़ा जान लेते हैं योगा दिवस के बारे में। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अर्चना राजपूत है, मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली में प्रवक्ता हूँ और राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी हूँ। और योग दिवस के बारे में, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और ये हमारा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस का मकसद यही है कि जो लोग योग नहीं कर रहे हैं उन लोगों को जागरूक करना, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हर शख्स, हर इंसान प्रतिदिन योग करे और अपने स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए अपने जीवन की दिनचर्या इसे बनाए। और योग करो, निरोग रहो, यही संदेश हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को देना चाहते हैं। और मैं बताना चाहूँगी आपको कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत 14 तारीख से हम लोग लगातार अमृत योग सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन बच्चों को योगाभ्यास कराया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। और हमने अपनी इकाई के माध्यम से बच्चों को ये जिम्मेदारी दी थी कि बच्चे अपने घर के आसपास, अपने परिवार में कम से कम 5 घरों को योग के प्रति जागरूक करें, जो जिम्मेदारी हमारे NSS की स्वयं सेविकाओं ने बखूबी निभाई है। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे, योग करो, निरोग करो, निरोग रहो और सभी लोग योग अवश्य करें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे पहले सबको हमारी शुभकामना, पूरे जनपद वासियों को, आप सब लोगों को, पत्रकार बंधुओं को। योग दिवस आप लोगों के लिए एक दिवस नहीं रह गया, अब प्रतिदिन अब उनका योग से बीतता है, क्योंकि इतनी इसकी व्यापकता और लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ चुकी है। यह तो एक प्रतीकात्मक रूप से एक दिन विशेष को मनाते हैं हम लोग। वस्तुतः जितने लोग देखिए, आपने देखा होगा योग कर रहे थे, अधिकांश लोग ऐसा लग रहे थे वो नित्य योग करने वाले लोग हैं। योग एक्चुअली आपके स्वस्थ मन के लिए, स्वस्थ तन के लिए और पूरे स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है, जो भी बहुत दिनों तक छूटा हुआ था। अब आज लोग अपने पुराने इस अपनी धरोहर को फिर से याद कर रहे हैं, उसको सजो रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित ही अग्रसारित करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे। और एक स्वस्थ समाज के लिए योग का बहुत बड़ा योगदान है और देश चल पड़ा उसी राह पर। पुनः आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, योग जो है एक जीवन शैली है। योग कोई एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीने करने वाली क्रिया नहीं है। और योग का लाभ भी तभी रहेगा अगर आप उसे नियमित रूप से डेली करेंगे। और आजकल की जीवन शैली में, आजकल की भौतिकवाद में जो जीवन शैली हमारी ख़राब हो गई है, उठने का, खाने का और एक्सरसाइज का नियम जो हमारा ख़राब हो गया है, मेजॉरिटी ऑफ रोग, खास करके अस्थि रोग, जो आर्थराइटिस है, उसी का पार्ट है। अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं और संतुलित खान पान करते हैं तो 90% बीमारियाँ जो जीवन शैली संबंधित हैं स्वतः ठीक हो जाती हैं। और मैं यही कहूँगा कि ये एक दिन, दो दिन करने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसे नियमित रूप से अपनाना एक जीवन शैली। जैसे आप रोज़ नहाते हैं, रोज़ ब्रश करते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, तो योग ऐसे ही डेली का पार्ट है। आज आप नहीं करें ऐसा नहीं है, आपको डेली करना है। आज 8वां योग दिवस मनाया है, जिसमें कि आज पूरी दुनिया के लगभग 200 देशों में इंटरनेशनल योग डे मनाया गया होगा। और इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम दुनिया को योग के महत्व के बारे में जानें। डॉक्टर साहब, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसलिए योग दे, या भी योग शरीर के लिए आवश्यक है इसलिए योग दे? नहीं, योग बिल्कुल शरीर के लिए आवश्यक। आप देखेंगे अनेकों धर्मों में, अनेकों जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो उनकी पूजा पद्धतियाँ होती हैं उसमें फिजिकल एक्सरसाइजेज या आसनों का या ऐसे पोस्चर्स का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, सम्मिलित रहते हैं वो लोग। हम हवन कर रहे होते हैं तो हमारी जो वायु है वो शुद्ध हो रही होती है, आप प्राणायाम कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, लोग मेडिटेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल में ऑलरेडी हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से एक स्पार्क रहे हैं, किसी भी चीज़ को उन्होंने कैटलिस्ट का काम किया है किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में। एक वो बड़े इनोवेटिव, एक प्रयोगात्मक व्यक्ति हैं जिन्होंने अनेकों प्रयोग किए और योग को आज घर घर तक उन्होंने पहुँचाने का काम किया है।
हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ आपकी अच्छी है तो वही वेल्थ है आपकी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना है कि हमारा भारत एक स्वस्थ भारत हो, हेल्दी भारत हो, ताकि जो हमारा खर्चा जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो खर्चा होता है, स्वास्थ्य सेवाओं में जो हम जो कार्डियक प्रॉब्लम होती है, स्टंट करते हैं, ये सब विदेशों से आते हैं, इसमें GDP का बहुत लॉस होता है। तो वो यही चाह रहे हैं कि हमारा जो युवा भारत है, युवा आगे चल के युवा भारत होने वाला है, ये सिडेंटरी लाइफ स्टाइल जो ओबेसिटी में नजायज है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में हर तीसरा बच्चा ओबेसिटी है, उसको डायबिटीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारा भारत भी ऐसा चला जाए कि हमारे बच्चे, देखिए आजकल के बच्चे देखिए कितने मोटे हो रहे हैं, खुद बच्चों डॉक्टर हम लोग खुद परेशान रहते हैं। तो मोदी जी का यही सपना है कि हमारा जो यंग भारत है वो आगे चल के स्वस्थ भारत हो। अगर भारत स्वस्थ होगा तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, घंटे ज़्यादा काम कर पाएंगे, देश की ग्रोथ बढ़ेगी। और जो हम लोग बाहर से इंस्ट्रूमेंट मंगा रहे हैं, इतनी GST, इतना टैक्स दे के इंस्ट्रूमेंट मंगा रहे हैं, इतने स्टंट मंगा रहे हैं, इन सबका खर्चा बचेगा और हमारा देश और तरक्की करेगा। हमारी जो योग पद्धति है ये हमारी प्राचीन काल से अनंत आदिकालीन से चली जा रही है, तो इसमें जो आगे बढ़ाने में बाबा रामदेव जी माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देशन, उन्होंने पूरे विश्व को इस लाइन में खड़ा कर रखा है। हमारे जो बीमारियां हैं, जैसे अगर किसी को सियाटिका है, किसी को कमर दर्द है, या कोई लीवर संबंधी बीमारी, पेट संबंधी बीमारी है, वो बिल्कुल इससे दूर जाएगी। मेरे साथ में कई सारे योग गुरु खड़े हुए हैं, मेरे बराबर में डॉक्टर विनोद पागरानी जी, हमारे अपकमिंग IIME प्रेसिडेंट हैं, मेरे बाद मेरे बराबर मेरे सचिव हैं डॉक्टर मुरलीधर छाबड़िया जी, जोशी जी, आचार्य जी हमारे जो बहुत अच्छे संघ के कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे यहाँ पर ये डेली योग करते हैं, बैठ कर शाखा में जाते हैं, ये सारे मेरे योग के लोग हैं यहाँ पर। डॉक्टर DK द्विवेदी हैं, क्षेत्रीय अधिकारी जी हैं यहाँ पर, ये हम इनके साथ पिछले 7-8 दिन से इसी योग की तैयारी में लगे थे, आज यहाँ